चाय वाला? कौन चाय वाला? वो रईस के यहाँ से चाय लेके आया हूँ। ए रईस के यहाँ से छोटू चाय देता था, तू कौन है? अरे छोटू का पेट खराब है तो इसलिए मैं लेके आया हूँ। चाय ठंडी हो रही है, लेना हो तो लो, नहीं मैं जाता हूँ फिर। ए रुक 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 रुक, आराम खोलता हूँ। इतना जल्दी में क्यों है? चाय ठंडी हो रही है। चल आ जाना, गर्म हो जाएगी, आ जा। श्रीमान, थैंक यू ऑफिसर। लेकिन एक प्रॉब्लम है श्रीमान। क्या प्रॉब्लम है? आपकी कैप किधर है श्रीमान? मैंने तो पहन लिया। कहाँ पहना? कहाँ छोड़ा है श्रीमान? अंदर तो नहीं है, आपके पीछे। ओके श्रीमान, आपकी कैप हाजिर है श्रीमान। थैंक यू ऑफिसर। नाइस श्रीमान। ऑफिसर सैल्यूट। गुड, आप जाके मिरर में अपना यूनिफॉर्म चेक कीजिए श्रीमान, और याद कर लीजिए श्रीमान। ओके ऑफिसर। सॉरी बेटा, पार्वती बेटा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि विक्रम खुशी को तुमसे दूर ले जाने के लिए सबूत इकट्ठा कर रहा है, और वो भी खुशी को यूज करके। कैसे अंदाजा होता ना आपको? आपके लिए तो आपका बेटा ही हमेशा सही है। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं कई बार विक्रम को कह चुकी हूँ कि वो खुशी को तुमसे दूर ले जाने के बारे में सोचे तक नहीं। सोचना तो दूर मम्मी, इस बार तो वो पूरी तैयारी के साथ आया था। आप नहीं समझते, वो किसी भी लेवल तक लो जा सकता है। नहीं मम्मी, एक बात तो है, मैं, आप या विक्रम, हम तीनों के लिए एक इंसान है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट्स खुशी। और मुझे ये मालूम है अच्छी तरह से कि जो भी हुआ उसमें आपने इंटेंशनली कुछ नहीं किया है। आप कर भी नहीं सकते, मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अगर आपको विक्रम और खुशी में से किसी एक को चुनना पड़े कभी भी, प्लीज़ खुशी को चुनना। And our fancy dress competition tomorrow. I will definitely try, sir. You will not try. You have to come. It's an order. Okay, sir. Thank you. You too. As he perform karna hai, okay? Okay. अरे, अरे कोको क्या कर रहा है? ये क्या है? पेपर खाना है खा ले, लेकिन मेरे पढ़ने के बाद खा लेना प्लीज। रवि, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ये देखो। ओहो कोको, नॉटी बच्चा। रवि देखो मैं कितना सारा सामान लाई हूँ, और मैं बहुत सारी गिफ्ट्स भी लाई हूँ। गिफ्ट्स लाई हो? मेरे लिए क्या लाई हो? कोको के लिए गिफ्ट्स लाई। ये क्या कर दिया गंदा बच्चा। ओहो, ये देख, ये देखो कोको, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। कोको की कैल्शियम वाली बोल्स, बिकॉज अब ये बड़ा हो रहा है ना, उसको कैल्शियम की जरूरत है। और ये इसकी चूई बोन, अब ये पेपर नहीं खाएगा, इसको टीदिंग हो रही है तो अभी अपनी बोन च्यू करेगा। खुश? मेन गिफ्ट तो देख लो रवि, ये देखो कोको का पट्टा विद हिज नेम टैग। या
सही है, कोको के लिए इतने सारे गिफ्ट्स और मेरे लिए कुछ नहीं। पति को भूल गई? नहीं भूली नहीं, अगली बार तुम्हारे लिए भी लाऊंगी ऐसा ही पट्टा विद योर नेम टैग रवि वर्मा। कम से कम मेरे आसपास तो रहोगे। मिसेस वर्मा, इतने सालों से तुम्हारे नाम का पट्टा पहनूं, समझी? कितना झूठ बोलोगे रवि, कितना झूठ बोलोगे। अब बोल दो मैं झूठ नहीं बोल रहा, खा लो अपनी वो मौसम विभाग की नौकरी की कसम। उसका मजाक मत उड़ाना प्लीज। अच्छा, कितना हैंडसम लग रहा है ना। अब जाओ इसको घुमा के लाओ, जाओ। मैं घुमा के लाऊं? हाँ तो जाओ यार, शिल्पू इतना बड़ा घर है, इतना छोटा सा डॉगी है, घर में घूम लेगा। अच्छा? क्या जरूरत है? घर में ही घूमेगा तो बाहर की दुनिया कैसे देखेगा? इसको बाहर की दुनिया दिखानी है। कोको, जाओ पापा के साथ घूमी करके आओ। ये लो भैया, ये लो, तुम्हें दुनिया दिखाते हैं। संभाल संभाल के जाना। मेरा बेटा फरिश्ता था, मेरा बेटा फरिश्ता था, कोई दहशत करते था। मेरा बेटा मसलूमों का मसीहा था, मेरा बेटा मसलूमों का मसीहा था। छोड़ दो मुझे। अरे जब मेरा बेटा ही जिंदा नहीं रहा तो मैं जीके क्या करूँगी, क्या करूँगी मैं? क्या बिगाड़ा था उसने तुम सबका? क्यों मार डाला उसे तुम लोगों ने? मुझे मेरे रहमत की मौत का इंसाफ चाहिए। मैं नहीं जीना चाहती, खुद को जला लूंगी, मैं खुद को जला लूंगी। छोड़ो मुझे, और मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हेलो, हाँ पहुंचता हूँ। डेटिंग है? अच्छा डाई, अरे लॉक कर दिया। तेरे जैसे तो बिल्कुल भी नहीं जो दूसरे के फोन में झांक के देखता हो। Hazards of being an intelligence officer. आदत ही हो गई है। तो बताना क्या है, दिखा दो। अरे कुछ भी नहीं है। दिखाना क्या पता, शायद मेरे जैसा हो। तेरे जैसे तो बिल्कुल नहीं है। अभी चल, बहुत सारे डेटा चेक करने। कम, grab a coffee. Where is the evidence, Nadkarni? Chief, I'm honored. मुझे बस थोड़ा और। Crime branch team हमारे नाक के नीचे एक ऑपरेशन को अंजाम देता है और हमें पता तक नहीं। How did this happen? What did I write in my report? होम मिनिस्ट्री से लेकर मीडिया तक सवाल उठा रही है, एंड आई एम आंसरेबल, मुझे जवाब देना होता है। चीफ, आई टोटली अंडरस्टैंड, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूज, प्लीज फाइंड आउट व्हाट हैपेंड एक्चुअली एंड सेंड मी द रिपोर्ट। चीफ, सीनियर इंस्पेक्टर प्रवीण तांबड़े, अब तक 70, आप ही के जैसे, अब तक 31। प्रवीण, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये अब तक 74 की कोशिश थी? पॉइंट पर आते हैं ना। मैं भी वही चाहता हूँ। रहमत, एहसान, शार्य, फारुक, चार लोगों का एनकाउंटर हुआ है, क्यों? क्या बोलूँ मैडम, मैंने तो पहले से बोलकर रखा है कि हमें बस टिप मिली थी, उनका एनकाउंटर करने हम लोग नहीं गए थे। पर मैं भी तो यही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर एनकाउंटर करने नहीं गए थे तो मारा क्यों? पहले उन लोगों ने फायरिंग की। चाय ठंडी हो रही है, चल आ जाना, गर्म हो जाएगी, आ जा। वो भी AK-47 से। बदले में हम लोग क्या करते हैं, गोली चलानी पड़ी मैडम। और ये रहमत जो उसकी माँ बवाल कर रही है ना बाहर, मेरा बेटा इनोसेंट है छोड़ दो, वो भी वहीं पर था उन टेररिस्ट के साथ। तो रहमत ने भी गोली चलाई थी, वेपन पे उसकी उंगलियों के निशान थे? नहीं थे। हाँ, लेकिन उस जगह पर वो तारिक मलिक उसके ऑर्गेनाइजेशन के वो लीफलेट थे, और ऐसे लीफलेट कोई क्यों रखेगा? तो ये जो
फेक एनकाउंटर वगैरह लोग करते हैं ना, उसके बाद तो वो लोग आराम से वेपन, लीफलेट सब कुछ प्लांट कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। क्राइम सीन पर इन लोगों के पास AK-47 ये चार गन थी और तीन वो चाइनीज वाले ऑटोमेटिक पिस्टल थे। आपको पता है, ओह सॉरी, आपको तो पता ही होगा AK-47 की क्या प्राइस है, 6 लाख रुपया, और उनके पास चार थी मतलब 24 लाख रुपया, और ये वो ऑटोमेटिक पिस्टल की कुछ 9 लाख, मतलब टोटल हुआ 35 हुआ। आगे बोलो। हाँ मैडम, महीने के आखिर में हम लोगों को अगर तंदूरी चिकन खाना हो ना, फिर भी हम वड़ा पाव खाते। अरे हम इनकाउंटर फेक करना ही होता तो हम लोग कुछ वो कट्टा वट्टा टाइप कुछ रख देते हैं। इस पैसे की कमी होती है उन लोगों के पास जो फेक एनकाउंटर्स करते हैं। मैंने भी सुना है तारिक मलिक के सुसाइड के बारे में। तावड़े, जिस समंदर में तुम तैर रहे हो उस समंदर से मैं तैर के निकल चुकी हूँ। तुम्हें मालूम है कि मुझे मालूम है कि तुम क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हो। मैडम आपका शक करना जायज, लेकिन यकीन मानिए मैं बिल्कुल आप ही के जैसा हूँ, देशभक्त। तावड़े देखो, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, तुम्हें पता है इनकाउंटर हुए, पूछताछ होगी, जानना होगा कि क्या हुआ कैसे हुआ, और तुम कह रहे हो कि तुम देशभक्त हो, तो फिर तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, हम एक ही पार्टी में हैं। बिल्कुल अपने हस्बैंड की तरह। पूरे डिपार्टमेंट में खबर है मैम कि एंड में क्या किया आपने उनके साथ। डोंट टेक इट पर्सनल मैम, लेकिन उस दिन से एज अ कॉप आप पर कोई भरोसा नहीं करता। वो कोई भरोसा नहीं करेगा मुझ पर जो करप्ट होगा, जो ईमानदार है उसे मुझसे क्या परेशानी। तावड़े, अगर एक आतंकवादी ने बंदूक उठाई, तुमने उसे मारा, मेरे लिए ठीक है, वहां मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अगर किसी भी धर्म जाति के इनोसेंट आदमी को मारा गया, वहां मैं तुम्हारे साथ नहीं। मुझे तुम्हारे इन्फॉर्मर की इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि इंक्वायरी आगे बढ़ सके, जल्दी खत्म हो सके और हमारे डिपार्टमेंट के रिसोर्सेस बचे रहे। वेरी सिंपल, अब तुम कह रहे हो कि तुम देशभक्त हो, तो देशभक्ति दिखाओ, यही मौका है। हेल्प करो डिपार्टमेंट की। You're on time here. Tabe ke informer ki information. Barakilla Tabe. Routine inquiry. Tere informer ko kuch nahi hoga. Kuch. मालिम, निकाह करेगा ना मेरे साथ या सिर्फ टाइम पास? देखो क्या लगता है, सच्ची वाला प्यार करता हूँ मैं तेरे से। वैसे अगर तेरा कोई और है तो मेरे को अभी बता दे, मैं ब्रेकअप कर देता हूँ। भैया बस यहीं पे रोक दीजिए, भैया बस यहीं।
अरे क्या हुआ? मेरी खाला का घर आ गया ना। ज़ैनब मेरे को सच्ची बता, तू अपने खाला से मिलवाने ले जा रही क्या? ज़ैनब मैं रेडी नहीं हूँ यार। आलम अम्मी ने मुझे कुछ सामान दिया था ना, बस खाला को देके 2 मिनट में आई, ठीक है? डार्लिंग जल्दी आना। मिस करेगा मेरे को? ऑफ कोर्स। लव यू। लव यू टू। चलो खाना खाओ। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाना है? जिद क्यों कर रहे हो? चलो खाओ। नहीं खाऊंगा। खाओ ना। क्या हुआ? अरे देखिए ना, पता नहीं क्या हो गया, इसे खाना नहीं खा रहा है। और तुम जाओ काम करो, मैं खिलाता हूँ। हाँ ठीक है, अभी खिलाता हूँ मेरे बेटे को खाना। लो। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अरे बेटा खाना नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं आएगी तो मेरा इब्राहिम साइकिल कैसे चलाएगा? चला लूंगा अबू, पहले आप साइकिल दिलवाइए। अरे तो मना कब किया है बेटा? देखो क्या है, मैं पक्का तुम्हें साइकिल दिलाऊंगा, ये वादा कर रहा हूँ। पहले खाना खाओ। लेकिन कब दिलवाओगे अब्बू? बहुत जल्दी दिलवाऊंगा, अब तो खा ले। एक मिनट, पहले मैं पॉटी जाके आता हूँ। चल भाग, जा पॉटी। देखो इसे पॉटी लगाई, एक नंबर का ड्रामेबाज है। डिसाइड कर ले, पॉटी जाना है या साइकिल चाहिए तुझे? मार। मोहसिन भाईजान, अंदर आ सकती हो? जी हाँ। आपसे एक काम है। आशा तेरा सच में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मतलब सिक्किम में भी कहीं नहीं? अरे छोड़ ना, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड लगा के रखा है। एक काम है मेरा यार, अपने काम से ही मतलब रख रहा हूँ, क्या पता तू साइको हूँ, हु नोस। अरे सुन ना, गली इतना पतला है, सब गली एक ही जैसा दिख रहा है। टावर की इन्फॉर्मर मोहसिन का घर कहाँ पे मिलेगा? एक सेकेंड कुछ क्या था? ये मोहसिन का एड्रेस बता सकते हैं जो लिखा हुआ है? मोहसिन यहाँ से राइट जाना। ओके। सेकंड राइट से सीधा जाके फिर एक लेफ्ट आएगा, सामने ही मोहसिन का घर है, पिंक कलर का। तेरा 2 से 3 गर्लफ्रेंड तो होंगे। 2 से 3 मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। क्यों, बनाया नहीं या बनी नहीं? बनाई नहीं, यू नो मैं सोच रहा हूँ कि अब बना लूँ। सोच रहा हूँ कि अपने दिल के नॉर्थ को किसी लड़की के दिल के ईस्ट से जोड़ दूँ। मेरे लिए एक लड़की ढूंढनी, एक तो ढूंढ ही सकती। सॉरी। आराम से चल, लगी क्या तेरे को? नहीं। अरे यही है, फाइनली पहुंच गए, यही बताया था ना उसने। मैं पता नहीं। आशा बी अलर्ट आशा, उसको चेक, आशा उसको चेक कर फटाफट, इसी से लाइव बनाओ, जल्दी कर। He's dead. Asha. Shit, she's also dead. Asha, get a hold of yourself. Don't touch anything. Don't touch anything. Okay?
कॉल द कॉप्स. मैं करता हूँ कॉप्स को कॉल, तू फॉरेंसिक वालों को कॉल कर राइट नाउ. टेक आउट योर फोन देन, जल्दी कर आशा. क्या कर रही है तू? डोंट पैनिक अभी कर, फटाफट कर कॉल. बहुत साइकिल दिलवा रहे हो ना अबू. अबू बेटा कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो अबू, कुछ नहीं हो अबू. अबू कुछ नहीं हो बेटा, पापा सो रहे, पापा सो रहे बेटा. कोई कुछ नहीं हो अबू, सो रहे. अभी उठा रहे अबू को. कोई है क्या आपका? बेटा कुछ नहीं हो अबू को, अबू सो रहे, हम उठा रहे अबू को, है ना. कोई है क्या यहाँ पे? हेलो भाई साहब, भाई भाई साहब आप प्लीज बच्चे को संभालिए ना, यही रहते ना आप आसपास. हाँ 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 जानते ना इसको संभाले. ये अंदर क्या हो गया? सुआ क्या? हटो यहाँ से, हटो. आ गई मैं. हाँ, चलो भैया. आ गई, देखा फटाफट आ गई ना. किधर जाना है? हाँ सीधा 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 चलो भाई. आशा फटाफट सुन, जल्दी आशा कॉल कर यार. ठीक है, तुमने कुछ टच किया अभी? मैंने कुछ टच नहीं किया. तीन आशा है? मुझे नहीं पता. वो लड़की शिट, वो लड़की. सुनिए आप लोग, यहाँ पर कोई भी शॉप एटीएम कुछ भी है? हाँ आगे थोड़ी दूर है. आगे आगे थोड़ी आगे है. ठीक है आप प्लीज एक काम कीजिए ना, प्लीज आप यहाँ भीड़ मत बढ़ाइए, जाइए. अच्छा सुन मेरी बात, कॉल द फॉरेंसिक्स फटाफट. अपन को सारे सीसीटीवी फुटेज चाहिए अबाउट दैट गर्ल, रिमेंबर, जो तुझसे टकराई थी. जल्दी कर. आई मिस्ड यू. अच्छा 5 मिनट मेरे से दूर रही और मेरे को मिस करने लग गई. क्या बोलूं यार, ये जालिम लव ना होता ही ऐसा है. तुझसे 5 मिनट की दूरी भी ना पूरी जिंदगी के बराबर है. क्या नौटंकी है तू. ज़ैनब तेरा दुपट्टा किधर है? खाला के घर छूट गया. खाला कल ले लोगी? चल वैसे तो अपने खाला से मेरे को कब मिलेंगी? तुझे क्यों मिलना है? वो शादी के लिए हाथ पूछना था. मुंबई के नालासोपारा से एक खबर है, मुसीम नाम के आदमी के घर में घुसकर हत्या कर दी गई है. पुलिस मौके पे पहुंच गई है लेकिन इसमें किसका हाथ है ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है. अच्छा इम्प्रोवाइजेशन था. तुमने प्लेयर्स के बारे में पढ़े? शेक्सपियर एक प्लेराइट था 16th सेंचुरी, और वो जो भी लिखता था वो एक्टर्स को फॉलो करना पड़ता था. इम्प्रोवाइजेशन भी पसंद थी उसको, लेकिन ये प्ले नहीं है. मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, तुम एक्टर नहीं. एक्टर हो सकती हो? सब कहते हैं तुम खूबसूरत हो. आओ नज़दीक आओ, इधर लाइट ठीक नहीं ना, मुझे देखना है तुम्हारी खूबसूरती कैसी. क्षमा होता तुम्हें क्या लगा ये इम्प्रोवाइजेशन मुझे पसंद आएगा? ये इम्प्रोवाइजेशन मैं बड़े चाव से देखूंगी, तुम्हारी पीठ थपथपाऊंगी, शाबाशी दूंगी. अगर तुम्हारी जगह कोई और बना छोटे छोटे टुकड़े करके उसको अरेबियन सी में फेंक देती, किसी को पता भी नहीं चलता. तुम नायाब हो ज़ैनब, छोटे मोटे मुद्दे पे क्यों अपना वक्त जाया करते हो? तुम्हारा मकसद बहुत बड़ा है, याद है ना तुम्हारा मकसद क्या है? ये भूल गई? याद है कि भूल गई? जी बेगम. याद रहे कि ये पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी अगर गलती वापस हुई तो ये जुल्फे नहीं बचेंगी, ये चेहरा नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा. अरे पक्का साहब, आयशा जान की बाजी लगा के बेगम के घर का पता निकाला हूँ साहब, और वो भी मैंने नहीं निकाला, मैंने खबरी को पैसे देके निकाला है. अभी आपके सामने पैसों का मैं क्या बोलूं, लेकिन उसके घर के बाहर डबल लाइन क्रॉस है साहब. बाकी का एड्रेस मैं अभी आपको भेजता हूँ साहब. ठीक है. सुनो
घर के बाहर डबल लाइन क्रॉस है। घर में कोई छोटा बच्चा है क्या? कोई बच्चा है क्या यहाँ? कोई छोटा बच्चा है क्या आप क्या? पोलियो ड्रॉप के लिए कोई छोटा बच्चा है आपके यहाँ? अच्छा, कोई बच्चा है? कोई बच्चा है? अरे हम पोलियो ड्रॉप के लिए आए, कोई छोटा बच्चा है क्या? यहाँ तो कोई छोटा बच्चा है नहीं और हम इंतजार कर रहे हैं। ओके, रेडी, चल। मेरा घर है, गोली मत चलाना। बात क्या? सुन, अंदर आ, अंदर आ, प्लीज अंदर आ, प्लीज गोली मत चलाना। जल्दी जल्दी जाओ, आ जा। वो शख्स नजर आ रहा है नासिया, ये एसपी का, उसका पीछा करो। उसके बारे में मुझे सब कुछ जानना है। वो कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, उसके घर में कौन कौन है, उसकी ताकत है, उसकी कमजोरी, सब कुछ पता करो। मुझे इतना करो। ओके बेगम। तुम्हारी खबर गलत थी, यहाँ और कोई रहता है। क्या बात कर रहे हो साहब, मैंने तो उसको पैसे दिया। रुको, मैं अभी उस खबर की खबर लेता है साहब। सॉरी साहब। चीफ, ये वही लड़की है जो पीआई तावड़े के इन्फॉर्मर मौसम के घर के पास मुझसे टकराई थी। एंड शी इज वेरी स्मार्ट। उसने अपने पूरा फेस दुपट्टा से कवर किया था ताकि कोई उसे पहचान ना सके, बट सीसीटीवी फुटेज से हमें उसके आईज की विजन मिल गई थी। और वी फाउंड अ रेटिनल स्कैन मैच। ओह, दैट्स गुड। चीफ, इस लड़की के ऊपर हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। आशा, ये इसका आधार कार्ड है। नाम जैनब नायक, एज 22 इयर्स। ये इसका मुंबई यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड है। और ये चीफ इसका, जिस कॉल सेंटर में कांदीवली में काम करती है, वहाँ का आईडी कार्ड है। सो अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन में जहाँ ये रहती है, जहाँ ये काम करती है और कहाँ से इसने अपनी पढ़ाई की है, वो सारी इन्फॉर्मेशन है। कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड? नहीं सर, कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई ऐसा एंटी सोशल ग्रुप्स के साथ कनेक्शन या एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स या फिर इसने कोई एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स दी हो, ऐसा कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया? सोशल मीडिया मैम इसका एकदम क्लीन है। आशा,
ये देखिए सोशल मीडिया इज एकदम ऐसा ही है जैसे एक 20 साल की लड़की का होता है कॉलेज की। हमने इसके कॉल रिकॉर्ड चेक करे, वो भी क्लीन थे, मैसेज रिकॉर्ड क्लीन थे, इसकी ब्राउजर हिस्ट्री क्लीन है एकदम। पठानवाड़ी में रहती है? यस मैम। अच्छा आशा, वो जो तुम्हारे कपड़ों पे इसका ब्लड मिला था, रिपोर्ट मंगवाई उसकी? यस मैम, उसका रिपोर्ट निकलवाया है और वो मैच करता है पीए तावड़े का जो इन्फॉर्मर है मोहसिन उस। तो एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया ना, ब्लड मैच हो रहा है मोहसिन से, क्लियरली सीसीटीवी फुटेज से रेटिनल स्कैन से हमें मालूम चल रहा है कि जैनब ही रिस्पॉन्सिबल है मोहसिन की डेथ के लिए। सो चीफ, अगर आप कहें तो मैं जैनब को हमारी कस्टडी में ले लूँ, उसे इंटरोगेट करते हैं। गो अहेड, ब्रिंग हर इनटू आवर कस्टडी। ओके। खुशी, मामा आपसे एडवांस में सॉरी कहना चाहते हैं क्योंकि बिटू मैं आपके फैंसी ड्रेस के लिए नहीं आ पाऊंगी, बहुत अर्जेंट काम आ गया है। लेकिन लिसन, आप सैड नहीं होगे, यू नो व्हाई? क्योंकि यू आर अ ब्रेव ऑफिसर एंड यू नो व्हाट अ ब्रेव ऑफिसर डज। एक ब्रेव ऑफिसर हमेशा अपनी ड्यूटी फुल डेडिकेशन के साथ निभाता है, राइट? सो आप भी अच्छे से, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दोगे, ओके? मेक योर मम्मा प्राउड। All the best. I love you. जो यहाँ पर जरूर होंगे। हाँ हाँ, यहाँ पे जरूर होंगे। सलाम खाला जान। सलाम। पहचाना आपने? नहीं पहचाना। देखिए इस बार तो आपने ऐसे बोल दिया, अगली बार आप ऐसे नहीं बोल पाएंगे, एक झटके में पहचान जाएंगे आप हमको। ऐसे कैसे बात करेंगे हम खाला जान, देखिए कितनी दूरी है हमारे बीच में, जरा दरवाजा तो खोलिए तो बात करते ना हम करीब से। सलमा बंदर शाम काकरोच क्लीन कंपनी, उसकी तरफ से आए हम। हमारी कंपनी ने जो कमाल का ऑफर चलाया है ना, ये आसपास मोहल्ले में ना हमने सब जगहों पे जाके काकरोच का स्प्रे छिड़का है। इस महीने डाल रहे हैं, अगले महीने आएंगे, फिर आप बताइएगा कि आगे आपको क्या करना है, वो आपके ऊपर है। देखिए हमारे घर में कॉकरोच कम, छिपकलियां बहुत ज्यादा है। अरे तो क्या प्रॉब्लम है, फूड चेन में ऊपर नीचे ही तो है, सबका काम हो जाएगा। मतलब देखिए काकरोच खाएंगे जहर, उन काकरोचों को खाएंगी छिपकलियाँ, काकरोच मरेंगे, छिपकलियाँ मरेंगी, सबके सब एक बार में सपाट चट हो जाएंगे। और खटमल भी। लो जी, खटमल मरेंगे सो अलग। आप इनको सोचिए मत, क्योंकि आस पड़ोस में सब लोग फायदे में रहेंगे, बातें करेंगे, आप पीछे रह जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसे। बस इतना पैसे नहीं है। पैसे नहीं चाहिए हमको। अरे वो दिखाओ दिखाओ, फ्री सर्विसेज दे रहे हम। हाँ हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्टार दे दीजिएगा। खाला मत सोचिए आप इतना, चलिए अंदर चलिए। अरे आ जाओ भाई, यहाँ पे किचन और हॉल है, वहाँ पे बेडरूम है। हाँ तो खाला यहाँ यहाँ दोनों जगह साथ ही में काम हो जाएगा। चलो चलो तुम दोनों अंदर जाओ, यहाँ से शुरू करो, तुम मेरे साथ आ जाना यहाँ पे। अरे अरे खाला आप कहाँ जा रही है? जहर है, काकरोच मारने का भी ये नहीं चाहिए कि उनसे पहले आप ही निकल लें। आराम से बैठिए यहाँ, जैसे ही हो जाएगा 10 मिनट में हम आपको बुला लेंगे, आप आराम से बैठिए यहाँ। अरे सुनो, सारी अलमारियां ड्रावर सब खोल खोल के दवाइयां डालना, ऐसा ना हो कि कहीं पे काकरोच छपकली ना जाए, ठीक है? मैडम जी। हाँ Thank you.
खाला बस हो गया 10 मिनट। अरे बस आप उधर जाइए, महक चढ़ जाएगी। मंस जी, सारे घर में दवाइयाँ लगा ही दी है बस हमने। बस मैं पूछना ही थी, पानी उन्हें लेंगी क्या? अरे नहीं नहीं खाला जान, देखिए मैं तो कहती हूँ कि आप भी ना पानी जरा संभल के ही पीजिएगा। ये जो दवाई है ना बहुत जहरीली है, पूरे घर का ही पानी बदल दीजिएगा। मैं तो कहती हूँ हम दवाइयाँ अच्छे से लगा रहे, चोरी नहीं कर रहे दवाई में हम। कर लीजिए। सब जगह अच्छे से लगा दे, कोने कोने में, ठीक है? मैडम जी, कहीं हम पे शक तो नहीं कर रहे? शक तो कर रही है, उन्हें लग रहा है हम चोर हैं, जो कि हम हैं। आशा, आशा क्या हो गया? मैंने तो सच में चिपक लिए। हाँ तो हटा और लगा दो। मैडम जी मैं शेर कुत्तों से लड़ सकती हूँ, बट चिपक ली क्या यार, ला दो। चिपकली तो थी सर। मैडम जी आप तो ना क्रोकोडाइल से डरते हो ना चिपकली से डरते हो। एक दिन मैं भी तुझे खतरों की चैंपियन बना दूंगी, खेलेगी कॉकरोचों से। सुन जल्दी कर, आप पकड़े जाएंगे नहीं तो। जल्दी कर। खाला जान काम खत्म कर दिया हमने तो, देखिए वक्त भी नहीं लगा ज्यादा। ओ इंद्रिस आ गए मैडम। अब कॉकरोच और चिपकली तो नहीं आएगी ना? अरे कहाँ खाला जान, दूर दूर भी नहीं फटकेंगी आपसे, डर के भागेंगी अब तो वो चिपकलियाँ। मैडम बड़े कॉकरोच थे इनके किचन में। हाँ अब देखना कतई परेशानी भी होगी आपको, आखिरी बार था ये। अच्छा खाला जान, ये जो हम आपको पुचिन के बारे में बता रहे थे ना, उसकी केमिस्ट्री बायोलॉजी वो सब कुछ समझानी थी हमें, समझ रहे हैं? तो वो आपको कुछ समझ आ भी रहा है? नहीं वो क्या है ना, हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, इतना समझ नहीं पा रहे। नहीं कोई बात नहीं खाला जान, लेकिन ये बात तो समझानी पड़ेगी ना, क्योंकि जहर है थोड़ा, वो पेस्टिसाइड होता है ना, तो उसके बारे में समझाना पड़ता है। तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ पर ये समझाना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो कोई बेटा है आपका, उसको बुला दीजिए जो कॉलेज वॉलेज में पढ़ता हो। नहीं हमारा कोई बेटा नहीं, बस एक बेटी है, उसका नाम जैनब है। बड़ा प्यारा नाम है खाला जान, तो आप जैनब को बुला दीजिए, हम उसको समझा देंगे अच्छे से। वो तो नहीं है, वो तो ट्रेनिंग पर गई है। वो खाना जाने बात बताना तो बहुत जरूरी है ना, कहाँ गई है वो ट्रेनिंग पर? कॉल सेंटर में काम करती है ना, वो लोग ही भेजते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। आप उसका फोन नंबर दे दीजिए मुझे, मैं वहाँ पर डायरेक्टली फोन कर लूंगी उसको। उसका बॉस बहुत खड़ूस है, किसी को बात करने की इजाजत नहीं है ट्रेनिंग पे, मैं भी नहीं बात कर पाती हूँ, उसका फोन हमेशा बंद ही रहता है। कोई बात नहीं खाला जान, आप फिर भी नंबर दे दीजिए हमें, हम 4-5 दिन बाद जब वो फ्री हो जाएगी तब बात कर लेंगे, समझाना जरूरी है ना। चलो नंबर नोट कर लो जरा उसका। जैनब के घर हम लोग काफ़ी देर बाहर अपॉइंटेड रहे, ऑब्जर्व करते रहे उसके घर को, उसकी प्रेजेंस नज़र ही नहीं आई, दैट्स व्हाई वी मूव्ड इन, और हमने अंडरकवर जाके पूरे घर को बक कर दिया। शिवम को छोड़कर आए हैं वहाँ पे उस पर नज़र रखने के लिए, और उसकी मदर शी वाज क्वाइट ऑब्लिवियस,
उसको अपनी बेटी के बारे में कोई क्लू नहीं था एज सच। क्या हो गया है? I think I know target किसे किया जा रहा है। You know, पहले बताना चाहिए कौन है? हमारी टीम को। फातिमा, बेगम के अलेजेड घर से फॉलो कर रही थी, उसे उठा लिया अभी। फॉलो कर रही थी तो ये तो कहीं भी पहुंच सकती थी, हमारे पीछे हेडक्वार्टर्स भी पहुंच सकती थी, हमारे घरों तक, हमारी फैमिलीज तक पहुंच सकती है। जो बेगम के घर की टिप मिली थी वो टिप नहीं, ट्रैप था। लेकिन इसमें खुशखबरी ये है कि अगर वो लोग एजेंसी के लोगों को फॉलो कर रहे हैं, हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब बेगम डेस्परेट हो गई है। अगर वो डेस्परेट है, we are winning. We will all have to be very, very careful. It means that it's either her और इट्स अस। मैम सैंडविच। थैंक यू।